जय हिंद एवरीवन, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री DPIIT ने यहाँ पर एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है भास्कर, यानी कि रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है फॉर द इंडिया स्टार्टअप इको सिस्टम। कल की ये न्यूज है 15 सितंबर 2024, जिस दिन आप इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। भास्कर जो कि एक प्लेटफॉर्म है फॉर द स्टार्टअप इको सिस्टम। अब यहाँ पे सबसे पहले सवाल उठता है कि स्टार्टअप होता क्या है एंड ये कब इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। तो 16th ऑफ जनवरी 2016 को यहाँ पर ये सेटअप स्टार्ट किया गया था। द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव हैज रोल्ड आउट सेवरल प्रोग्राम्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स, बिल्डिंग अ रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अ कंट्री ऑफ जॉब क्रिएटर्स, कि जॉब आप क्रिएट कर रहे हैं रेदर देन आप खुद जॉब सीख कर रहे हैं। These programs and managed by the dedicated team, which reports to DPIIT. अब दो यहाँ पर questions हमारे पास आ गए। Number one, Startup India Initiative कब launch हुआ? 16th January 2016. Number two, किसको यहाँ पर report कर रहे हैं? DPIIT, Department for the Promotion of Industry and Internal Trade. Number three, किस ministry के अंतर्गत है? Ministry of Commerce and Industry. Number four, Startup India होता क्या है? एक flagship initiative था Government of India का, so that startup के कल्चर को कैटेलाइज कर सके। आप देखते हैं आजकल IITians हो गए, ठीक है, कोई ड्रोन्स का यहाँ पे स्टार्टअप खोल रहा है, कोई यहाँ पर अपने एजुकेशन का स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी का विजन है कि जॉब क्रिएट की जाए रेदर देन जॉब सीख की जाए, एंड यहाँ पर एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए जिससे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर लगातार बढ़ती रहे। आप हर बार 15 अगस्त पे या 26 जनवरी को देखते हैं कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स, या फिर लद्दाख में आप देखते हैं कि ड्रोन्स या फिर कुछ मिसाइल्स इंडिजीनियस। तो लगातार ये सब एक स्टार्टअप इकोसिस्टम ही है जो लगातार यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए प्लेटफॉर्म आया है, दैट इज अ भास्कर। आज हम इसके फीचर्स और ये क्या है ये डिस्कस करेंगे। नंबर वन, DPIIT, मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, इज सेट टू लॉन्च अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म aimed at strengthening India's startup ecosystem. India के startup ecosystem को यहाँ पर strengthen करने के लिए यहाँ पर ये step लिया गया है। इसका full form क्या है? भारत Startup Knowledge Access Registry Initiative. भास्कर का यहाँ पर आप full form देख रहे हैं, ठीक है? भास्कर, not भास्कर, that is a भारत Startup Knowledge Access Registry Initiative, जिसको Startup India के अंतर्गत यहाँ पे start किया गया है, so that designed to centralize, streamline and enhance collaboration among the key stakeholders within the entrepreneur ecosystem, so that यहाँ पर एक प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सके एंड कोलेबरेशन एनहांस करी जा सके अमंग द की स्टेक होल्डर्स। क्या क्या फीचर्स रखे गए हैं? सबसे पहला तो यही है कि इट हैज टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री फॉर द स्टेक होल्डर्स विद इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। डिजिटल रजिस्ट्री यहाँ पर सबसे पहले बिल्ड करना है, इसका प्राइमरी गोल। नंबर टू अगर हम बात करें तो नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन, भास्कर पोर्टल जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गैप है उसको ब्रिज को यहाँ पे क्या करेगा, जो गैप को ब्रिज करेगा बिटवीन द स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, मेंटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, सो दैट एक सीमलाइन इंटरेक्शन हो इन सबके बीच में। भाई जो स्टार्टअप खोल रहा है, कोई पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबके बीच में एक सीमलेस इंटरेक्शन हो, इसलिए नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन पे फोकस रखा जाएगा। नंबर थ्री, प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू रिसोर्सेस, जितने भी रिसोर्सेस हैं इन सबको कंसोलिडेट कर दिया जाएगा, सो दैट आपका यहाँ पर एक्सेस हो सारे टूल्स पे, नॉलेज पर, एंड आप फास्टर डिसीजन मेकिंग कर सकें, ठीक है, तो सारा एक्सेस होगा। ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में आपको तंग कर सकता है। नंबर फोर, क्रिएटिंग पर्सनलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन, जो भी यहाँ पर स्टेक होल्डर्स होंगे स्टार्टअप में उन सबकी एक आईडी होगी, दैट इज अ भास्कर आईडी, सो दैट वो पर्सनलाइज इंटरेक्शन करे एंड टेलर्ड एक्सपीरियंस हो उनका इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, दैट इज अ भास्कर वन। तो सभी को स्टेक होल्डर्स को एक आईडी मिलेगी, दैट इज अ भास्कर आईडी। नेक्स्ट वन, एनहांसिंग डिस्कवरेबिलिटी थ्रू द पावरफुल सर्च फीचर्स, यूजर कैन इजली लोकेट द रिसोर्सेज, कोलैबोरेटर्स, अपॉर्चुनिटी, सो दैट वो फास्टर डिसीजन मेकिंग और एक्शन ले सके। तो कहीं ना कहीं आप इजिली डिस्कवर कर सकेंगे इन सबको, ठीक है, सर्च फीचर्स को पावरफुल बना दिया जाएगा यहाँ पे, इसका इस पोर्टल का यहाँ पर ये भी काम है। नेक्स्ट है सपोर्टिंग इंडियाज ग्लोबल ब्रांड, भास्कर कहीं ना कहीं इंडिया की ग्लोबल रेपुटेशन बढ़ाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस को बढ़ाएगा, सो डैट यहाँ पे स्टार्टअप्स को, इन्वेस्टर को आप इजिली एक्सेस कर सकें, ठीक है।
ऐसे आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आया था, जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट छापता है कि भाई इंडिया में बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल था, तो उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आया हमारे पास, सो डैट यहाँ पे स्ट्रीमलाइन कर सके हम प्रोसेस को। तो भास्कर कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट स्टेप है यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑन गोइंग एफर्ट्स को, सो डैट वो इनोवेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप को, जॉब क्रिएशन, सबसे बड़ी बात तो है जॉब, सो यहाँ पे जॉब सीकिंग वाले कम हो और जॉब देने वाले ज्यादा हो। तो कहीं ना कहीं एक सेंट्रल हब होगा जहाँ पे सारे स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, प्रोवाइडर्स, गवर्नमेंट बॉडी सब इकट्ठे आएंगे एंड ग्रोथ को एक्सिलरेट यहाँ पर करेंगे। डन। तो यहाँ पर हमारे पास दिस पोर्टल नेम इज द भारत। अब CDS में, NDA में, AFCAT में, इवन CAPF में डायरेक्टली आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। नंबर 2, स्टार्टअप प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था? 16th of January 2016 डेट पूछी जा सकती है। एंड उसके बाद इसके क्या क्या की फीचर्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। कल की ये न्यूज थी आपके पास। डन। एंड इसके अब सेशन के अलावा अगर मैं एक अनाउंसमेंट और बता दूं कि एज आई सेड कि 15th of September को हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच यहां पर स्टार्ट हो गया है फॉर द NDA, CDS, AFCAT, टेरिटोरियल आर्मी एंड फॉर द अग्निवीर। इससे नेक्स्ट बैच हम 30th of September को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज तब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट भी आ जाएगा। ऑल्दो इस बैच में अभी थोड़ी सी ही स्टूडेंट हुए हैं, ऑलमोस्ट 10 स्टूडेंट से भी ये बैच स्टार्ट हुआ है, इसलिए जो भी बच्चे 30th तक इसमें एनरोल करेंगे उन्हीं को इसी बैच के साथ यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।